स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, इस बात को समझना। इसे हम लोग बेकर नेथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ये बेकर नाथन इफेक्ट क्या है, इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, बेकर नाथन इफेक्ट क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या है, ये सभी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा कि क्या होता है बेकर नेथन इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैं सबसे पहले आपसे एक एग्जांपल के साथ में डिस्कशन करता हूँ। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोपीन। ये हमारे पास प्रोपीन मॉलिक्यूल है। अब इस प्रोपीन मॉलिक्यूल में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा है, तो ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो करना क्या है, कंडीशन में ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ C, यहाँ पर H है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ H, यानी यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर हम इस पॉजिटिव को हटाना चाहें तो इसके बॉन्ड को इधर ट्रांसफ़र करें। जैसे इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे साथ एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि ये C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो H पॉजिटिव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये H आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती कि ये पॉजिटिव इस कार वाले हाइड्रोजन पर भी आ सकता है, ये पॉजिटिव इस वाले हाइड्रोजन पर भी आ सकता है। यानी कि नेक्स्ट जो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है वो ये हो सकती है कि पॉजिटिव यहाँ आ जाए, ये ऐसे हो जाए, ये डबल बॉन्ड रहे, ये सी एच रहे, ये सी रहे, ये एच रहे, ये एच नेगेटिव रहे। अब तीसरी कंडीशन भी अगर हम देखना चाहें तो क्या हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए, ये पॉजिटिव उधर चला जाए, यानी कि एच ऐसे हो जाए, एच ऐसे हो जाए, ये एच पॉजिटिव ऐसे हो जाए, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए, सी एच हो जाए, सी एच और यहाँ एच हो जाए, और ये नेगेटिव साइन। तो यानी कहने का मतलब आपको सामने साफ दिख रहा है कि देर इज़ ए डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन को, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कि पाई बॉन्ड भी ट्रांसफर हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्टेड हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए ही हमें एक टर्म पढ़ना पड़ता है, बेकर नेथन इफेक्ट। और बेकर नेथन ने डिस्कवर किया था इसलिए बेकर नेथन इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेट हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम रखा गया हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, और इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस फॉर्म में है, मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये वही कंडीशन है कि जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की एक्चुअल डेफिनेशन जो निकल के आती है वो क्या आती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सिग्मा एंड पाई सिस्टम। यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होता है या सिग्मा पाई सिस्टम जो होता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है उसी को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो मैंने ट्रांसफ़र किए हैं वो एक प्रोपीन का एग्जाम्पल लिया। इसी तरीके से आप किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के इथीन का भी ले सकते हैं, ब्यूटीन का भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये कॉम्पिटिशन में, जेई में, नीट में, पीजीटी में और बहुत सारे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही पूछा जाता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये मैंने आज आपको पूरी वीडियो में समझा दिया। तो इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ लीजिए तो आपको ज़रूर आप समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मोर इज़ द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज़ द स्टेबिलिटी। एक सिंपल सी बात करें, जितना ज़्यादा टर्निंग होगी गली में उतनी ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मोड़ होंगी चोर को उतना ही छुपने में आसानी हो जाएगी। अगर हम एक एग्जाम्पल सिंपल